सब्सक्राइब करें कृषि न मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए सॉल्व फॉर एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू 5/4, यानी इसको ऐड करके हमको निकाल देना है, एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें से। तो देखिए कोट इनवर्स गिवन है आपका, इतना लिख लिया हम। फिर हमने क्या किया है, कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये कोट इनवर्स एक्स जो होता है आपका टेन इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हमने इतना लिख दिया, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, और साइन इनवर्स 1/√5 को 10 में चेंज किया, तो ये जो हो जाएगा टेन इनवर्स में आपका इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4। देखिए हमने साइड में लिख दिया है कि चूंकि साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखिए टेन, अब इसको 1/x को ए मानिए और ये 1/2 को बी, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला जो होता है, उस फॉर्मूला पे हमने ऐड किया इसको, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन 1 - a इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4। फिर देखिए आगे हमने क्या किया है, ए टेन इनवर्स ए था जो, तो ए साइड आएगा तो 10 π/4 हो जाएगा। तो देखिए 10 π/4 हो गया और इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2 + x अपॉन 2x, इसका एलसीएम 2x हो जाएगा। नीचे में देखिए ये हो जाएगा 2x - 1/2x, तो यहाँ से आपका ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, बचा आपका क्या, देखिए तो बचा आपका 2 + x / 2x - 1 = 1, ठीक है। तो इसको इसको इस साइड में आके मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, तो देखिए 2x - 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x को इस साइड लाते हैं, तो देखिए आ गया तो माइनस में हो जाएगा और -1 को इस साइड प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ये 2x - x = 2x, ठीक है। तो x का वैल्यू ऊपर निकल गया, x = 3, इसमें जो था आपका x का वैल्यू निकालना था, ठीक है, तो x = 3 है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x = 1, यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या किए हम, सॉल्यूशन गिवन है आपका ये, ठीक है, तो इसको क्या किया हम इस साइड लाए, तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 1 को क्या लिखते हैं, साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाई 2। अब हम क्या किए हैं, कोस इनवर्स एक्स को इस साइड लाए हैं, तो आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और आप जानते हैं पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो इसके जगह पर हमने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है। देखिए क्यों होता है आखिर, तो क्यों, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स का वैल्यू निकालिए, तो साइन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला से हिसाब से यहाँ पे हम लिख देंगे इतना, इसके जगह पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों हट जाएगा दोनों साइड से, तो आपका हो जाएगा x = 1/5 आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सॉल्व, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू 5/4 गिवन है, जो हमने लिख दिया 10 / 2x प्लस 10 / 3x इज इक्वल टू 5/4। नाउ इसको ए मानिए और 2x को ए और 3x को बी, तो 10 + a प्लस 10 + b इज इक्वल टू 5/4। तो 10 + a प्लस 10 + b फॉर्मूला जो होता है वो एडिशन का, उसको हम अप्लाई किए, तो 10 + a प्लस बी अपॉन 1 - a इंटू बी इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब ये 10 उठ के चलाएगा ये आरएचएस साइड की ओर, तो ये 10 π/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐड कीजिए इसको, तो 3 + 2 यानी 5x, ये हो जाएगा 1 - 6x² इक्वल टू 10 π/4, यानी 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 1 - 6x². अब इसको इस साइड लाइए, तो ये प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा 6x² प्लस 5x, और प्लस ये 1 को इस साइड लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, देखिए -10 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आरएचएस साइड से एलएचएस साइड की ओर सबको ला, तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है आपको,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज कीजिए, यानी देखिए 5x को ऐसे दो नंबर में डिवाइड कीजिए जिसका प्रोडक्ट -6x2 यानी इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर हो, और जब उन दोनों नंबर को जोड़े तो 5x आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है तो है, तो 6x -6 जो जो है ऐसा दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6x2 हो जाएगा, और ऐड कीजिएगा तो 5x हो जाए। देखिए 5x भी हो जाएगा, तो 5x को हमने 6x -6 लिख सकते हैं, तो -1=0। अब इसमें इसमें से हमने क्या किया है, देखिए 6x को कॉमन किया तो बचा आपका x प्लस, यहाँ पे बचा 1, और इसमें दोनों में से हमने -1 कॉमन किया तो बचा आपका x प्लस 1=0। अब इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए, इसको इसको दोनों में से कॉमन कीजिए, इसको कॉमन किए तो बचा आपका यहाँ पर 6x और यहाँ बचा -1, ठीक है, तो =0। तो एक्स यहाँ पे आपका वैल्यू है x=-1 और x=1/6, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है tan inverse x + tan inverse 2x / 1 - x²=π/3। गिवन है इतना लिख लिए हम, tan inverse x + tan inverse 2x / 1 - x²=π/3। नाउ tan inverse x, ये जो फॉर्मूला था tan inverse 2x / 1 - x², वो जो होता है 2 tan inverse x के बराबर होता है, तो इसके जगह पे हमने 2 tan inverse x लिख दिया = π/3। नाउ tan inverse x + 2 tan inverse x इक्वल टू हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 tan inverse x = π/3, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इतने साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका π/9 हो जाएगा, ठीक है, π/9। अब देखिए अब टेन इनवर्स को इससे लगेगा तो 10 में चेंज हो जाएगा, तो x = tan π/9 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये देखिए आपका tan inverse 1/2 = cot inverse x + tan inverse 1/7, इसको सॉल्व करना था, गिवन है जो है हमने लिख दिया tan inverse 1/2 = cot inverse x + tan inverse 1/7। तो हमने क्या किया, देखिए tan inverse 1/7 जो है इसको एल से सेट क्यों लाया, तो हो जाएगा tan inverse 1/2 - tan inverse 1/7 = और यह बचा cot inverse x, तो cot inverse x जो होता है वो tan inverse 1/x के बराबर होता है, इसके बाद जगह बाद हमने इसे को 10 में चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ इसको tan inverse x - tan inverse y पर सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए उसको हमने a और b माना था, तो tan inverse a - b / 1 + ab, ठीक है, a - b / 1 + a × b = tan inverse 1/x। अब दोनों साइड से 10 हटेगा, देखिए आगे इसको एलसीएम लिया है, तो ये 7 - 2 / 7 - 2 / इसको एलसीएम लीजिए, 14 + 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना एलसीएम लेने आता है आपको, इतना हमने डायरेक्ट ले लिया, और इधर हो जाएगा 10 + 1/x, तो 10 हटाइए दोनों साइड, तो हटेगा आपका, तो हो जाएगा ये 7 - 2 यानी 5, और ये हो जाएगा 14 + 1 = 15 = 1/x, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा 3, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, tan inverse x - 1 + tan inverse x + tan inverse x + 1 = tan inverse 3x, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए गिवन है आपका इतना ये वाला, वो हमने क्या किया, tan inverse x - 1 + tan inverse x + 1 इन दोनों को इसको और इसको एक साथ ऐड किया, और ये जो था ये वाला आपका ये जो पार्ट है इसको अर्च सेंट की ओर भेज दिया, तो ये हो जाएगा tan inverse 3x - tan inverse x, ठीक है। अब इसको टेन बस अब ये वाला पार्ट को एक्स माइनस वन को ए मानिए और एक्स प्लस वन को बी, तो 10 + a + 10 + b फॉर्मूला पे इसको ऐड करते हैं, तो 10 + a + b, ठीक है, अपॉन 1 - a × b पुट कर दिए फॉर्मूला पे, इक्वल टू इसको भी 10 + a - 10 + b पे फॉर्मूला पे पुट कीजिए, तो 10 + a - 10 + b अपॉन 1 + ab पुट हो गया दोनों, ये a प्लस बी पे और इसको a माइनस बी पे, ठीक है, दोनों 10 हटेगा तो बचेगा आपका, देखिए इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा x और x यानी 2x, -1 + 1 है तो कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर 2x, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 × x + 1 यानी a - b × a + b यानी a² - b² फॉर्मूला पे, तो ये हो जाएगा x² - 1, ठीक है, 1 - x² - 1, यहाँ से देखिए 3x - x की जगह तो 2x हो जाएगा, इसको देखिए 1 + 3x² हो जाएगा, इतना तो हो गया आपका। अब देखिए माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए नीचे में, तो बच हो जाएगा आपका
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में इतना हो जाएगा, ठीक है ये वाला लिखा जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल था तो कट जाएगा, ठीक है तो बचा आपका इधर, ये आप फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आउट कर इधर आ जाएगा, यानी प्लट दीजिए समझिए तो ओपन चेक कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हो जाएगा वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है तब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आएगा तो वन हो जाएगा, वन जो इधर आएगा तो टू माइनस वन इक्वल टू वन, तो फोर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस माइनस वन बाई टू आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस टेन इनवर्स माइनस सेवन, ठीक है इसको देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी फॉर्मूला पर इसको ऐड करते हैं तो टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, ठीक है इज इक्वल टू फाइव माइनस देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा इस फॉर्मूला पे, ठीक है टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो इतना उस फॉर्मूला पे हमने इसको कर दिया बाहर माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, वो ये तो हो गया आपका। अब इसको एलसीएम देते हैं तो एलसीएम लीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इसके साथ इसको इसके साथ और एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिए इसमें यहाँ पे करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में और माइनस ये वाला, ठीक है देखिए आ गया है तो ये आपका कट जाएगा एलसीएम जो है दोनों में कॉमन है तो कट कटेगा तो आपका इतना हो गया इज इक्वल टू फाइव माइनस टेन बस सेवन, ठीक है अब इसको देखिए आगे लिखते हैं तो देखिए हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, देखिए तो ये जो होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कैसे हो गया देखिए तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया इज इक्वल टू पाई माइनस टेन बस सेवन, तो एक्स देखिए टेन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा टेन पाई माइनस टेन बस सेवन, ठीक है आइए बचा आपका इतना ये लिखा गया तो देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है इस फॉर्मूला पे हो गया माइनस टू एक्स, ये देखिए टेन पाई माइनस थीटा इसको आप क्या कीजिए थीटा मान लीजिए, ठीक है तो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है देखिए यहाँ टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है इस फॉर्मूला पे माइनस टेन थीटा थीटा ये माने थे हम तो माइनस टेन थीटा, ठीक है तो अब इसको देखिए ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस वन, ठीक है अपॉन में नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये कटेगा अब बचा माइनस एक्स प्लस वन यानी वन माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा टेन और टेन प्लस एक्स तो कैंसिल बचेगा सेवन यानी माइनस सेवन बचेगा सिर्फ, ठीक है तो हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको इस साइड ले जाके तो टू एक्स का माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सेवन इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स हो जाएगा, अब इन दोनों को उठा के साइड ले जाइए टू एक्स स्क्वायर ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस एट एक्स ए प्लस वन प्लस सेवन इज इक्वल टू एट हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, दो कॉमन सब में से ले लीजिए दो कॉमन लिए तो सब आपका इतना हो जाएगा दो इस साइड आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है तो एक्स या आप यूँ कहेंगे दो से सब में डिवाइड दीजिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इतना एंड इसको फोर एक्स को टू माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स लिख ला सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या कीजिए एक्स कॉमन कीजिए इन दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो एक्स माइनस टू हो जाएगा और इसमें माइनस टू कॉमन कीजिएगा तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, अब देखिए अभी इन दोनों में से कॉमन की लीजिए एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू कॉमन किया तो बचा यहाँ पे एक्स और यहाँ बचा माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू अब दोनों में से कॉमन लीजिए तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं जो कि आपका लास्ट है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर,
इसको 10 इनवर्स ए स्क्वायर मानिए, इसको भी मानिए, तो 10 बस ए प्लस 10 बस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो 10 बस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है, फॉर्मूला पे पुट कर दिया इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसको क्या कीजिए, साइड ले आइए, तो 10 पाई बाई 45 हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। इसको एलसीएम लीजिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और इन दोनों का एलसीएम लेके देखिए एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर दिए हैं। और ये देखिए आपका ये जो आता है नीचे वो इक्वल आता है, तो कट जाता है, तो हमने पहले ही ऑलरेडी कट दिया, तो जो बचा है आपका देखिए ये बचा है, ऊपर में इतना बचा है और नीचे में इतना, ठीक है, जिकल 10 पाई बाई 4। अब इसको इस सम से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस 6, और यह हो जाएगा माइनस 2, इससे इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस x और माइनस 2, और नीचे में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नीचे में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना हो जाएगा, जिको 10 45 का वैल्यू 1 होता है आप जानते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपका उस साइड में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका प्लस माइनस है, तो आपका हो जाएगा इतना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू 1। तो आपका टोटली अब सब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। सॉल्यूशन आपका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।